आज कितने लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से आकांक्षा दुबे के माँ को हिम्मत दे रहे हैं फोन कॉल पे या वहाँ पे जाकर, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। आप सभी को पता ही होगा इस दुनिया में अब आकांक्षा दुबे नहीं है, लेकिन आकांक्षा दुबे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, निरहुआ जी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, यश कुमार, यानी बहुत सारे कलाकारों के साथ आकांक्षा दुबे काम कर चुकी हैं। लेकिन आज आकांक्षा दुबे के घर में दुख की घड़ी आ चुकी है, जो कि उनकी माँ बहुत ज्यादा रो बिलख रही हैं इस समय। और क्यों नहीं रोएंगी बिलखेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी बेटी चली गई। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से कितने लोग आकांक्षा दुबे की माँ को हिम्मत दे रहे हैं। बहुत लोगों ने फोन कॉल पे आकांक्षा दुबे की माँ को हिम्मत दे रहे हैं, जैसे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। पवन सिंह दिए हैं, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा, और अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे रितेश पांडे, और आज अक्षरा सिंह भी मिलने गई थी आकांक्षा दुबे के घर पे। और बहुत लोगों ने हिम्मत दिया होगा फोन कॉल पे, लेकिन जितना लोगों का नाम सामने आया है मैं इस वीडियो में बताया हूँ। अब बात रही खेसारी लाल यादव जी का, तो खेसारी लाल यादव जी दे दिए होंगे या दे सकते हैं, और जहाँ तक मेरा भी उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव जी जरूर फोन कॉल पे हाल चाल लेंगे और हिम्मत देंगे आकांक्षा दुबे की माँ को। और बात रही दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का अपडेट जल्दी नहीं मिल पाता है। जब श्याम देहाती का डेथ हुआ था तो उस समय मालूम नहीं पड़ रहा था कि श्याम देहाती के बच्चों का खर्च कौन उठा रहा है, तो पता चला बाद में श्याम देहाती की पत्नी ने बताई निरहुआ जी उठाते हैं, यानी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा निरहुआ जी देते हैं। बाकी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी बातचीत जरूर करेंगे फोन कॉल पे, क्योंकि उनके एरिया का बात है। हाँ तो बहुत सारे भाई लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए हमने वीडियो बनाया। और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।